ट्रांसजेंडर समुदाय देश का एक ऐसा समुदाय है जिसे अलग निगाहों से देखा जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस की तरक्की से समाज की सोच में भी अब बदलाव आया है। यह है 22 साल की तक्ष। पेशे से ड्रेस स्टाइलिश है, लेकिन इसका परिचय महज इतने से पूरा नहीं होता। तक्ष ने जिंदगी में बड़ा फैसला किया और मेल से फीमेल जेंडर में खुद को तब्दील कर लिया। कोई थॉट नहीं था, लेकिन जब से मैं छोटी थी, राइट, एंड ऑब्वियसली बाकी सबको तो लड़का दिखता था, पर मेरे को हमेशा से मालूम था कि अपने अंदर मैं लड़का नहीं हूँ। आई कुड नेवर सी माई सेल्फ ग्रोइंग ओल्ड एज अ बॉय। यू नो, एक आपको होता है जब आप छोटे होते हैं, आप अपने परिवार में सबको देखते हैं। मेरे को हमेशा से इंस्पिरेशन ज़्यादा अपनी दादी, अपनी मम्मा, अपनी नानी, ऐसी औरतों से मिली है। तो आई नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ बॉय, एंड सो इसीलिए दिस वॉज द मोस्ट नेचुरल थिंग फॉर मी टू परस्यू। घर वालों के मुताबिक तक्ष का जब जन्म हुआ तो वो एक सामान्य मेल चाइल्ड की तरह था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसमें फेमिनिन हाव भाव हावी होने लगे। आखिर में तक्ष ने डॉक्टरों से राय ली और अपनी सर्जरी करा ली। एक्चुअली जब ये चीज़ डिस्प्ले होने लगी कि हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत है, और थोड़ा सा मुझे इस चीज़ का इशू नहीं था कि तक्ष वॉन्ट्स टू ट्रांजिशन, मुझे सिर्फ इस चीज़ का इशू था कि मेरा बच्चा इतना अनहैप्पी है, इतना दुखी रहा इतने सालों तक, एंड बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ डॉक्टर मैं शायद इस चीज़ को पहचान नहीं पाई। ऐसे ही कहानी कृतिका की भी है, जिसने अपना जेंडर चेंज करवाया है। लड़के से लड़की बनने के बाद कृतिका खुद को ज्यादा सहज महसूस करती हैं। मतलब मैंने अपने आप को एज ए इंसान थोड़ी ना चेंज किया, जो मैं अंदर से थी बस मैंने अपने को बाहर से वो दिखाया इन सर्जरी के थ्रू। तो मेरा दिल और दिमाग और आत्मा शुरू से ही, मतलब बहुत शुरुआत से ही एक लड़की की रही है। मैंने अचानक से फील नहीं किया, इट वॉज बाय बर्थ। मेडिकल साइंस के लिए ये एक बड़ी चुनौती हुआ करती है, क्योंकि डॉक्टरों को ये तय करना पड़ता है कि जेंडर चेंज के लिए आने वाले शख्स की मानसिक हालत क्या है। जी, हेल्दी पेशेंट हो तो बॉडी उस काबिल है, बट सारे पेशेंट्स इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। ओनली पेशेंट्स हु हैव जेंडर डिस्फोरिया, जिनका कि सेक्स और जेंडर कॉन्फ्लिक्ट में है आपस में, और उनको उसमें से भी कुछ ऐसे केस जो कि अपनी इस प्रेजेंट बॉडी को हटाना चाहते हैं, वो उसमें सोचते हैं कि जैसे उसमें कैद हैं, इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ट्रांससेक्सुअल्स बोलते हैं। सो सिर्फ इन्हीं को ये सर्जरी ऑफर करी जाती है। दरअसल जब कोई इंसान अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता है तो उसे मेडिकल भाषा में जेंडर डिस्पोरा कहते हैं। डॉक्टरों की माने तो समाज को इस तरह के मामलों में ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। तक्ष और कृतिका के चेहरे पर खुशियां हैं। उनकी माने तो दकियानुसी सोच के बजाय ऐसे मामलों को मेडिकल साइंस के नजरिए से देखने में ही सबकी भलाई है। दिल्ली से संवाददाता अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।